नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 में। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। दिल्ली में एक बार फिर सन की आशिक की हैवानियत का मामला सामने आया है। दिल्ली के बाबा हरिदास नगर थाना के मित्राओ गांव में निक्की यादव नाम की एक युवती की हत्या हुई। इस हत्या को गांव के ही रहने वाले साहिल गहलोत नाम के युवक ने अंजाम दिया, जिसमें एक शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतार दिया। सिर्फ इतना ही नहीं, उसने कई दिनों तक युवती के शव को अपने ढाबे के फ्रिज में रखा। इस पूरी घटना ने राजधानी में हुई श्रद्धा हत्याकांड की यादें ताजा कर दी, जिसमें आरोपी ने इसी तरह अपनी गर्लफ्रेंड को भी मौत के घाट उतारा और उसके बाद कई महीनों तक उसके शव के टुकड़ों को फ्रिज में रखा था। अब इस नए मामले में भी पुलिस ऐसे ही कई एंगल से जांच कर रही है। साथ ही अपनी शादी से ठीक पहले गर्लफ्रेंड को मौत के घाट उतारने वाले शख्स ने शव को पहले फ्रिज में रखा और इसके बाद दूसरी युवती के साथ शादी की। अब सवाल उठ रहा है कि आरोपी साहिल ने युवती के शव को इतने दिनों तक क्यों छिपाया था। पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि क्या साहिल श्रद्धा की तरह इस युवती के शव के टुकड़े करने की सोच रहा था। अब पुलिस इस बात का पता लगा रही है कि साहिल ने युवती की हत्या करने के बाद उसके शव को लगभग 4-5 दिनों से फ्रिज में क्यों छुपाया हुआ था। इन्हीं सब सवालों के बारे में साहिल से पूछताछ की जा रही है। पुलिस का कहना है कि साहिल और युवती के बीच गहरी दोस्ती थी और वो लिव इन में भी रह चुके थे। हालांकि 10 फरवरी को साहिल की दूसरी युवती के साथ शादी हुई थी। जब निक्की को इस बात का पता चला तो उसने इस शादी का विरोध किया, क्योंकि वह साहिल से शादी करना चाहती थी। साहिल के परिवार में भी कोई भी इसके लिए राजी नहीं था, जिसके बाद साहिल और निक्की के बीच इसी बात को लेकर विवाद शुरू हो गया और इसी दौरान साहिल ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या के बाद वो शव को अपने ढाबे पर ले गया और वहां एक फ्रिज में उसे छिपा दिया। टीवी 100 उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, मंदिर दर्शन, बॉलीवुड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, फैक्ट और मोटिवेशन के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।